कुछ हुआ आज के इस सीन में? एंट्री तो मुझे पता नहीं उसकी बैंक के साथ हुई है, बट मैंने बड़ा बैंक किया सीन में। तो आई एम श्योर जितने भी व्यूज़ हैं वो देखेंगे, जो इंटरनेट वाला लव फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं अगर वो देखेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा जो आगे आने वाले सीन्स हैं। और काफ़ी एक अच्छा बड़े लेवल पे हम शूट कर रहे हैं कुछ एक और ज़्यादा, जिससे एंटरटेन कर सके अपने व्यूज़ को। आते ही उन्होंने एक कांच पर आपको गुदा दिया है जी कुछ एक केमिकल लगा के, तो जी उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेगा? अभी एज इफ ऑब्वियसली मुझे तो पता नहीं एज अ कैरेक्टर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्यों ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। पर हाँ, जैसे पिछले दिनों के एपिसोड में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ हुए जा रहा था। कभी कोई गाड़ी पीछा कर रही है, कभी कोई घर पे कोई किसी ने पत्थर मार दिया है। तो आज फिर उस सबका ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलेगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। समवेयर आप उनको हेल्प करने जा रहे थे, पर देन वो हेल्प आपके ऊपर भारी पड़ी। हाँ, ऐसा कहते हैं ना, अच्छी दुनिया नहीं रही है दोस्त, आजकल हेल्प करने से पहले भी सोचना पड़ता है। तो आई गेस हाँ, कुछ जय के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। फैमिली आके गई, बचा के गई है, क्या लगता है आगे क्या होगा? आप आगे काफी पता नहीं, चोटें पहले लगी तो है। इतना जैसे गिरा है तो आई डोंट नो आगे बचेगा भी कि नहीं बचेगा। और अगर बचेगा, अगर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इंटरनेट वाला लव कि आगे क्या होने वाला है। लास्टली पूछना चाहिए कि एक सम्राट वापस आ गए और जी एक काफी बदले की भावना लेकर आए साथ में, तो क्या जी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलने वाले व्यूअर्स को? व्यूअर्स को बहुत बच्चे सारे थोड़े सीख ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। एंड आई एम श्योर धीरे धीरे जैसे आध्यन सम्राट की, सॉरी आध्यन एंड जय की दोस्ती आगे बढ़ रही है, एक अलग पॉइंट पे पहुंच रही है, उसके साथ साथ ये जो ड्रामा है और जितने लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, प्यार के पीछे जितने लोग पड़े हैं, तो वो ड्रामा देखने में आई एम श्योर बहुत मज़ा आएगा सबको। कि एक आखिरी सवाल होगा, एक छह काफी बार फनी आखिरी और सवाल, लास्ट आखिरी सवाल, आखिरी सवाल बोल रहे हो अब, आखिरी सवाल होगा, वो एक पूछो क्या आखिरी सवाल है। सीक्वेंस शूट करना कैसा कैसा रहा? काफी थ्रिलिंग सीक्वेंस था ये। हाँ, मज़ा तो आता ही है जब भी कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है, एंड खासकर जब आपको खुद परफॉर्म करना होता है। कई बार हमारे स्टंटमैन हमारे लिए सीन्स करते हैं, कई बार कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें कोशिश हम कर सकते हैं कि वो कर पाएँ। तो वी ट्राइड कि आज ये कांच वाला, कांच तोड़ने का जो सीन है वो करें। ऑब्वियसली एज एन एक्टर काफ़ी चीज़ें होती हैं थोड़ा मुश्किल, एंड आई एम श्योर प्लीज़ जो भी देख, जिसने भी देखा होगा, कोई ट्राई मत करना अपने घर में। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल स्टंटमैन होते हैं जो ध्यान रखते हैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों का, बट स्टिल फिर भी कभी कभी चोट लगती है। बट मज़ा बहुत आया, एंड एक एडवेंचर था, कुछ एक अलग चीज़ हम हमेशा करते हैं, और एक रिस्क भी होता है, तो और एक कैसा होगा कैसा होगा वो हमेशा रहता है। पर टच वुड बहुत अच्छा रहा, एंड थैंक्स, और क्या कहना चाहूँगा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।